आप लोगों ने ये बात तो जरूर नोटिस किया होगा कि गर्मी के दिनों में कपड़े जल्दी सूखते हैं वही बरसात के मौसम में या फिर ठंडे के मौसम में कपड़े को सूखने में टाइम लगता है तो क्या रीजन है कि गर्मी के दिनों में कपड़े जल्दी सूखते हैं वही बरसात के मौसम में या फिर ठंडे के मौसम में कपड़े को सूखने में टाइम लगता है और आप लोगों ने यह भी नोटिस किया होगा कि गर्मी के दिनों में मटके का पानी जल्दी ठंडा होता है और हमें कूलर से ठंडा ठंडा हवा मिलता है यानी कूल कूल हवा मिलता है तो क्या रीजन है इन सब के पीछे आज हम लोग इस वीडियो में जानने वाले हैं हेलो एवरीवन दिस इज खुशबू वेलकम बैक टू आवर चैनल तो आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं इवेपरेशन के बारे में इवेपरेशन क्या होता है

लिक्विड का वेपर फॉर्म यानी गैसेस फॉर्म में बदलना ही क्या कहलाता है इवेपोरेशन कहलाता है जैसे फॉर एग्जांपल वाटर का बॉइलिंग पॉइंट कितना होता है 100 डिग्री सेल्सियस अगर वाटर 100 डिग्री सेल्सियस पे बॉयल होना स्टार्ट होता है तो इस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलेंगे वेपोराइज़ेशन क्या बोलेंगे वेपोरेशन अगर हंड्रेड डिग्री सेल्सियस से अगर नीचे टेम्परेचर पे लिक्विड से गैस फॉर्म में बदलना स्टार्ट होता है जैसे फोर्टी डिग्री सेल्सियस फिफ्टी डिग्री सेल्सियस अगर फोर्टी या फिर फिफ्टी डिग्री सेल्सियस पे वाटर जो है वो लिक्विड से वेपर फॉर्म में बदलना स्टार्ट होता है तो इस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलेंगे इवेपोरेशन ठीक है अगर हंड्रेड डिग्री सेल्सियस पे वाटर लिक्विड से वेपर फॉर्म में बदलना स्टार्ट होता है तो इसे हम लोग क्या बोलेंगे वेपोराइजेशन एंड अगर 100 डिग्री सेल्सियस से अगर नीचे टेम्परेचर पे लिक्विड जो है वो लिक्विड से वेपर फॉर्म में बदलना स्टार्ट होता है तो इस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं इवेपोरेशन फॉर एग्जाम्पल ये हमारा ओशियन है ये हमारा क्या है ओशियन ये ओशियन का सरफेस है यहाँ सनलाइट है सन से हीट आ रहा है सन से हीट आने की वजह से वाटर का जो सरफेस है वो हीट हो गया है ये जो सरफेस है ये हीट हो गया है ठीक है वाटर के जो मॉलिक्यूल्स हैं, ये वाटर के मॉलिक्यूल्स हैं ये वाटर के मॉलिक्यूल्स है सनलाइट से इन ही लोग को हीट मिला वाटर का जो मॉलिक्यूल्स है सरफेस पे जो मौजूद वाटर मॉलिक्यूल्स है वो सनलाइट से हीट लेकर यहाँ से इवेपोरेट हो जाएंगे यानी लिक्विड से गैसेस फॉर्म में यानी वेपर फॉर्म में बदलना स्टार्ट हो जाएंगे सन से हीट लिए यहाँ जो फोर्स ऑफ एट्रैक्शन था यहाँ ब्रेक किए देन लिक्विड से वेपर फॉर्म में बदलना स्टार्ट होने लगे तो इस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलेंगे इवेपोरेशन ठीक है इवेपोरेशन इज अ सरफेस फेनोमेनन इवेपरेशन क्या है सरफेस फेनोमेनन है यहाँ जो है पहले इस सरफेस के वाटर को इवेपरेट करेगा देन सेकेंड लेयर को करेगा ऐसे ही चलते जाएगा तो इवेप्रेशन क्या है सरफेस फेनोमेनन है पार्टिकल्स फ्रॉम द सरफेस गेन इनफ एनर्जी टू ओवरकम द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एंड चेंज टू वेपर स्टेट क्या होता है ये जो पार्टिकल्स हैं ये सनलाइट से जो हीट मिल रहा है उससे इनफ एनर्जी लिए एनर्जी लिए एंड फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को ब्रेक किए यहाँ जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो ब्रेक हुआ देन लिक्विड जो है वो वेपर फॉर्म में चेंज हो गया तो ये हमारा क्या है इवेपोरेशन है ठीक है इवेपोरेशन आपको समझ में आया इवेपोरेशन एंड वेपोराइजेशन एक दूसरे से काफी इंटर रिलेटेड है दोनों में डिफरेंस क्या है तो वेपोराइजेशन में क्या होता है कि जब तक बॉइलिंग पॉइंट तक पहुंच ना जाए तब तक वाटर जो है वो लिक्विड से गैसेस फॉर्म में बदलना स्टार्ट नहीं होता है एंड वेपरेशन में क्या होता है कि किसी भी टेम्परेचर पे 40 डिग्री 30 डिग्री 50 डिग्री कोई भी टेम्परेचर पे लिक्विड जो है वो गैसेस फॉर्म में बदलना स्टार्ट हो जाता है तो इस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं इवेपरेशन आप लोग को समझ में आया अब हम लोग आगे बढ़ते हैं तो अब हम लोग देखने वाले हैं इवेपरेशन का एग्जाम्पल इवेपरेशन का एग्जाम्पल क्या है ड्राइंग ऑफ द वाटर बिकम्स कोल्ड इन अर्दन पोर्स ड्यूरिंग समर सीजन पोरिंग एसिटोन और स्प्रिट ऑन आवर एंड कूलिंग वेट फ्लोर्स ये सब क्या है एग्जाम्पल है हम लोग काफी डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं तो चलिए हम लोग अभी आगे बढ़ते हैं तो हमारा टॉपिक है फैक्टर अफेक्टिंग द रेट ऑफ इवेपरेशन इवेपरेशन को क्या क्या इफेक्ट करता है यानी किस किस चीज से इफेक्ट होता है तो पहला क्या है टेम्परेचर सेकेंड सरफेस एरिया थर्ड ह्यूमिडिटी फोर्थ विंड स्पीड आप लोगों ने देखा होगा कि गर्मी के दिनों में कपड़े जल्दी सूखते हैं आप लोगों ने देखा होगा गर्मी के दिनों में क्या होता है टेंपरेचर बहुत ज्यादा हाई होता है इसके वजह से कपड़े जल्दी सूख जाते हैं यानी अगर टेंपरेचर ज्यादा हुआ टेंपरेचर ज्यादा है तो रेट ऑफ इवेपोरेशन ज्यादा होगा ठीक है टेम्परेचर अगर ज़्यादा हुआ तो रेट ऑफ़ इवेपरेशन ज़्यादा होगा वहीं बारिश के मौसम में या फिर ठंडे के मौसम में टेम्परेचर कम रहता है यानी गर्मी के दिनों में जितना टेम्परेचर रहता है उसके हिसाब से टेम्परेचर कम रहता है तो यहाँ क्या होता है कि अगर टेम्परेचर कम हुआ तो रेट ऑफ़ इवेपरेशन कम हो जाता है यानी लिक्विड का वेपर फॉर्म में बदलना कम हो जाता है तो गर्मी के दिनों में अगर टेम्परेचर ज़्यादा हुआ तो रेट ऑफ़ इवेपरेशन ज़्यादा होगा यानी कपड़े जल्दी सूखेंगे वहीं बरसात के मौसम में टेम्परेचर कम रहता है तो रेट ऑफ इवेपरेशन कम होता है तो इसलिए कपड़े जल्दी नहीं सूखते हैं यानी सूखने में टाइम लगते है, ठीक है ये आप को समझ में आया नेक्स्ट फैक्टर है सरफेस एरिया आप लोगों ने देखा होगा कि जब हम लोग कपड़े को फैलाकर तार पर डालते हैं तो कपड़े जल्दी सूखते हैं वहीं अगर हम लोग कपड़े को मोड़ कर डालते हैं तार पे तो सूखने में टाइम लगता है तो क्या होता है कि जब सरफेस एरिया ज्यादा होता है तो रेट ऑफ इवेप्रेशन ज्यादा हो जाता है एंड अगर सरफेस एरिया कम है तो रेट ऑफ इवेप्रेशन कम हो जाएगा यानी कपड़े को जब हम मोड़ के डाल रहे हैं यानी उसका सरफेस एरिया कम हो जा रहा है सरफेस एरिया कम होने के कारण रेट ऑफ इवेप्रेशन कम हो रहा है जैसे ये हमारा कपड़ा है कपड़ा को हम लोग फैला के डाले हैं तो इसका सरफेस एरिया ज़्यादा है सरफेस एरिया ज़्यादा होने के कारण रेट ऑफ़ इवेपरेशन ज़्यादा हो रहा है यानी कपड़ा में मौजूद जो लिक्विड है वो वेपर फॉर्म में जल्दी जल्दी कन्वर्ट हो रहा है वहीं अगर कपड़ा अगर हम लोग मोड़ के डाले हैं तार पे, तो क्या होता है कि कपड़ा का जो सरफेस एरिया है वो कम है कम है तो रेट ऑफ इवेपरेशन कम हुआ रेट ऑफ इवेपरेशन कम हुआ तो कपड़े को सूखने में टाइम लगेगा ठीक है आप लोग को समझ में आया नेक्स्ट फैक्टर है ह्यूमिडिटी ह्यूमिडिटी का मतलब क्या होता है एयर में मौजूद अगर वाटर वेपर ज़्यादा होते हैं तो मौसम ह्यूमिड वाल वाला हो जाता है यानी आग्र वाला हो जाता है यानी चिपचिप वाला हो जाता है तो एयर में पहले ही से वाटर वेपर मौजूद है जब हम लोग बारिश के मौसम में कपड़े को सुखाते हैं तो कपड़े को सूखने में टाइम लगता है क्यों टाइम लगता है तो एयर में पहले ही से वाटर वेपर मौजूद है एंड इवेपरेशन ev में क्या होता है लिक्विड जो है वो वेपर फॉर्म में बदलना स्टार्ट होता है तो पहले ही से वाटर वेपर एयर में मौजूद है तो रेट ऑफ इवेपरेशन कम हो जाएगा क्योंकि पहले ही से एयर में काफी ज्यादा वाटर वेपर है तो रेट ऑफ इवेपरेशन पे फर्क पड़ता है यानी अगर ह्यूमिडिटी वाला मौसम है तो रेट ऑफ इवेपरेशन कम हो जाएगा ठीक है समझ में आया फोर्थ फैक्टर है विंड स्पीड तेज हवा में जब हम लोग कपड़े को सुखाते हैं तो कपड़ा सूख जाता है और अगर हम लोग कम हवा में कपड़े को सुखाते हैं तो कपड़े को सूखने में टाइम लगता है तो अगर तेज हवा चलता है तो रेट ऑफ इवेपरेशन ज्यादा हो जाता है यानी बढ़ जाता है और वही अगर हवा का स्पीड कम है तो रेट ऑफ इवेपरेशन कम हो जाता है समझ में आया क्या है देखिए रेट ऑफ इवेपरेशन किस फैक्टर पे डिपेंड कर रहा है यानी किस किस फैक्टर से रेट ऑफ इवेपरेशन इंक्रीज कर रहा है तो पहला क्या है टेम्परेचर सेकेंड क्या है सरफेस एरिया एंड थर्ड क्या है विंड स्पीड ठीक है ये फर्स्ट है ये सेकेंड ये थर्ड ये तीन फैक्टर पे डिपेंड कर रहा है यानी अगर ये तीन फैक्टर इंक्रीज कर रहे हैं तो रेट ऑफ इवेपरेशन इंक्रीज कर रहा है वही ह्यूमिडिटी वाला अगर मौसम हो जा रहा है यानी आद्र वाला मौसम तो ह्यूमिडिटी वाला मौसम में रेट ऑफ एवेपरेशन जो है वो डिक्रीज कर जा रहा है ह्यूमिडिटी अगर ज़्यादा है तो रेट ऑफ़ इवेपरेशन डिक्रीज कर जाएगा टेम्परेचर विंड स्पीड एंड सरफेस एरिया अगर ज़्यादा हुआ तो रेट ऑफ़ इवेप्रेशन इंक्रीज करेगा समझ में आया यहाँ तक अब हम लोग आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्या है वेन इवेप्रेशन अकर्स इट एब्जॉर्ब ऑल हीट फ्रॉम सराउंडिंग एंड हेंस एनहेंस कूलिंग इवेप्रेशन प्रोसेस के दौरान क्या होता है सराउंडिंग से हीट को एब्जॉर्ब करता है एंड कूलिंग को प्रोड्यूस करता है ठीक है सम एग्जाम्पल्स आर एज फॉलो कुछ एग्जाम्पल्स है जैसे आप लोगों ने गर्मी के दिनों में देखा होगा कि मटके का जो पानी होता है वो ठंडा हो जाता है तो आप लोग अगर ध्यान से देखें तो मटके में छोटे छोटे छिद्र होते हैं यानी पोर्स होते हैं तो इस पोर्स से वाटर जो है वो सराउंडिंग से हीट लेकर सराउंडिंग से हीट को एब्जॉर्ब करके ये इवेपोरेट हो जाते हैं कुछ हीट अंदर से लिया कुछ हीट सराउंडिंग से लिया एंड लिक्विड जो है वो वाटर वेपर में कन्वर्ट हो जाता है ठीक है क्या होता है कि अर्दिन पॉट में कुछ छोटे छोटे छिद्र होते हैं जिसके वजह से वाटर जो है वो सिप करते हैं एंड सराउंडिंग से हीट को एब्जॉर्ब करके वो इवेपोरेट हो जाते हैं तो यही लिखा हुआ इन समर सीजन द वाटर गेट्स कूल इन अर्दन पोर्ट बिकॉज इट हैज अ फाइन पोर्स इन इट थ्रू विच वाटर सिप्स गेट आउट आउट गेट इवेपोरेटेड यानी ये छोटे छोटे छिद्र के थ्रू वाटर बाहर आते हैं एंड सराउंडिंग से हीट को एब्जॉर्ब करते हैं एंड इवेपोरेट हो जाते हैं ठीक है ये आपको समझ में आया कि गर्मी के दिनों में मटके का जो पानी होता है वो ठंडा क्यों होता है अब लोग आगे एग्जाम्पल देखते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल है वेन पेट्रोल इज ड्रॉप इन आवर हैंड देन इट कैरी कैरीट इज कूलिंग एंड गेट इवेपरेटेड जब पेट्रोल को हम लोग अपने हथेली पर अपने पान पर रखते हैं तो पेट्रोल जो होता है हमारे बॉडी से हीट को ऐब्जॉर्ब करता है एंडरेट हो, जा, हो जाता है इवेपरेट हो जाता है जिसकी वजह से हमें कूलिंग फील होता है पेट्रोल जो है वो हमारे बॉडी से हीट को ऑब्जॉर्ब किया है हुआ है वजह से हमें कूलिंग फील होता है ठीक है यह आपको समझना है नेक्स्ट क्या है वेन वी वी आर वेट क्लोथ देन वी फील कूल बिकॉज वाटर ड्रॉपलेट्स एज्यूम द हीट फ्रॉम द बॉडी एंड एवेपरेटेड गर्मी के दिनों में हमें कॉटन क्लोथ पहनने को रिकमेंड किया जाता है क्यों किया जाता है क्योंकि कॉटन क्लोथ जो होता है वो वाटर का गुड एब्जॉर्बेंट होता है गर्मी के दिनों में हमें स्वेट आता है स्वेट से हमारा कपड़ा भिग जाता है कपड़ा भीग में भीग जाता तो water droplets है तो वहाँ वाटर ड्रॉपलेट्स होते हैं वाटर ड्रॉपलेट्स क्या होता है बॉडी से हीट को एब्जॉर्ब करता है एंड इवेप्रेट हो जाता है जिसकी वजह से हमें कूलिंग फील होता है इसलिए बोला जाता है कि गर्मी के दिनों में हमें कॉटन क्लोथ पहनना चाहिए क्यों बोला जाता है ये आप लोग को समझ में आया अब हम लोग आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल है अ डिजर्ट कूलर कूल्स बेटर ऑन हॉट डे गर्मी के दिनों में कूलर हमें ठंडा ठंडा हवा देता है यानी कूल कूल हवा देता है क्यों देता है ऑन हॉट डे हॉट मतलब क्या होता है गर्म यानी टेम्परेचर ज्यादा एंड ड्राई मतलब ह्यूमिडिटी कम यानी एयर में वाटर ड्रॉपलेट्स कम है तो क्या होता है ऑन हॉट ड्राई डे टेम्परेचर इज हाई एंड ह्यूमिडिटी इज लेस विच हेल्प्स इन बेटर इवेप्रेशन टेम्परेचर ज़्यादा है जिसकी वजह से क्या होता है इवेप्रेशन का जो रेट है वो हाई हो जाता है ठीक है ड्यू टू हायर रेट ऑफ एवेपरेशन इट गिव्स बेटर कूलिंग इफेक्ट रेट ऑफ़ इवेप्रेशन ज़्यादा हो जाता है जिसके वजह से कूलिंग इफेक्ट हमें मिलता है यानी कूलर हमें ठंडा ठंडा हवा देता है ये भी आप लोग समझ में आया अब हम लोग आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल है द नील पॉलिश रिमूवर आर वोलेटाइल नील पेंट रिमूवर को जब नील पेंट रिमूवर हम लोग लगाते हैं तो हमें ठंडक महसूस होता है तो क्या रीज़न है तो देखिए द नील पॉलिश रिमूवर आर वोलेटाइल सब्सटेंस नील पेंट रिमूवर जो होता है वो वोलेटाइल होता है यानी उड़ने वाला होता है दे ऑब्जॉर्ब लेट हीट ऑफ वेपराइजेशन फ्रॉम आवर हैंड हमारे हैंड से हीट को एब्जॉर्ब करता है ठीक है एंड गेट्स कन्वर्टेड रेपिडली इन टू गैसेज फॉर्म फील कूल हमारे बॉडी से हीट को लिया इवेपरेट हुआ एंड हमें कूलिंग फील होता है नील पेंट रिमूवर जब हम लोग अपने हथेली पर लगाते हैं तो हमारे बॉडी से हीट को ऑब्जर्व करता है इवेपरेट होता है हमें हमें कूलिंग फील करा जाता है ये आपको को समझ में आया अब हम लोग आगे बढ़ते हैं फाइनली हमारा जो चैप्टर था मेटर इन आवर सराउंडिंग्स खत्म हुआ यानी इवेपरेशन जो था हमारा वो चैप्टर का लास्ट टॉपिक था तो आज के लिए बस इतना ही और हाँ अगर आप लोग नाइन टेंथ स्टूडेंट हैं और हमारे चैनल पे आए हुए हैं तो हमारे चैनल पे आपका बिग वेलकम है क्योंकि हमारे चैनल पे बुनियाद बैच के नाम से एक बैच चलाया जा रहा है जो सिर्फ नाइन टेंथ वालों के लिए ही डिजाइन किया गया है बुनियाद बैच का स्पेशलिटी क्या है तो आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मिलेंगे इंपॉर्टेंट सब्जेक्टिव क्वेश्चन कराए जाएंगे लाइव मेटिक सेशन कराया जाएगा टॉपिक वाइज लेक्चर वीडियो मिलेंगे लाइव डाउट क्लासेस ऑन यूट्यूब यूट्यूब बुनियाद बैच के जितने भी टीचर्स हैं वो लाइव आकर आपके सारे डाउट्स को क्लियर करेंगे सी जो भी अपडेट देगा वो सब अपडेट हम लोग करते रहेंगे सी के साथ साथ एन टी ओलंपियाड लेवल क्वेश्चन प्रैक्टिस कराया जाता है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व कराया जाएगा मोटिवेशन एंड सेशन तो आप लोग को देखने को मिलता ही रहता है तो कैसा लगा ये वीडियो हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा थैंक्स फॉर वॉचिंग